भारत देश में ऐसे लाखों युवा हैं जो अपना रोजगार तथा अपना व्यवसाय तो शुरू करना चाहते हैं, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ना तो अपना व्यवसाय कर पाते हैं और ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। ऐसे ही बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2021 के अंतर्गत उन्हें ऋण देने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपने रोजगार को शुरू कर पाएं तथा अपने सपनों को साकार कर पाएं और देश की अर्थव्यवस्था को भी मूल रूप से सहायता प्रदान कर पाएं। जी हाँ, यही कारण है कि अब देश के युवाओं को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है, लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आवाज इंडिया पर। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वयं का रोजगार किस प्रकार से एक सुनहरा अवसर बन गया है। जी हाँ, एक सुनहरा अवसर मिल रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देश के नौजवानों को, वे अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे, इसकी पात्रता तथा आवेदन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर यदि आपकी आयु 18 से 35 वर्ष है और आपकी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास है, तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रोजगार की कुल लागत लगभग 2 लाख के करीब होनी चाहिए तथा ये जो लोग स्वयं का व्यवसाय शुरू करने वाले हैं या जो अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं लेकिन अब इसमें उन्नति करना चाहते हैं, वे लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साथ साथ बताना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए, महिला वर्ग के लिए तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए भी यहाँ पर कुछ आरक्षण किया गया है। यही कारण है कि महिलाओं को इस योजना के तहत काफी अधिक लाभ मिल रहा है। यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को 10 से 15 दिन तक का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें वो कुशलता प्राप्त कर सके। जी हाँ, यहाँ पर 40,000 से अधिक जो है वो आपको रुपए से इसकी शुरुआत की जाती है। यहाँ पर 40,000 से लेकर आप 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके उद्देश्य के साथ साथ इसमें ब्याज की दर के लिए, अब सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही कम ब्याज की दरों पर ये उपलब्ध करवाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से समय समय पर इसके लिए आदेश जारी किए जाते हैं। मौजूदा जो निर्देश हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 25,000 पर केवल 12% ब्याज लेना होता है तथा 25,000 से 10 लाख रुपए तक लगभग 15% तक ब्याज की दर पर आपको ये दिया जाता है। यहाँ पर और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से रोजगार इसके तहत आते हैं। खनिज आधारित उद्योग, वन आधिकारिक वन आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, रासायनिक आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा सेवा उद्योग। इसके साथ साथ ही 10 से 20% तक सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। PMRY यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसमें आरक्षण जो है 22.5% है तथा पिछड़े वर्ग के लिए ये 27% तक आरक्षण दिया जाता है। जी हाँ, 8वीं पास होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है जो कि लगभग 3 साल पुराना हो। इसके साथ साथ ही महिलाओं को, पूर्व सैनिकों को, विकलांगों को, SC BC कैटेगरी को 10 साल की उम्र की छूट दी जाती है, यानी उन्हें 35 साल की उम्र के बाद आगे 10 साल और भी आवेदन कर सकते हैं, यानी 45 साल की एज तक वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही परिवार की मासिक आय जो है वो 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आपने पहले किसी बैंक से लोन ना लिया हो, आपका आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा शुरू किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण आपको देना होगा, आपका मोबाइल नंबर तथा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आपको बताएंगे यहाँ पर कि आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा तथा वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, PMRY की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है तथा इसमें आपको मांगी गई सारी जानकारी जैसे कि आपका नाम, आधार कार्ड नंबर,
मोबाइल नंबर आदि यहाँ पर भरना है। सारे के सारे दस्तावेज इसको में आपको अटैच करने हैं। कौन सा व्यवसाय आप शुरू करने वाले हैं ये बताना होगा तथा इससे फॉर्म को अपलोड करने वाले हैं आप। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको बैंक से सारा जो है जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी तथा आपको बैंक में संपर्क के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आपको बैंक जाना होगा और उसके बाद बहुत जल्द ही आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही अपना रोजगार जो है उसे उन्नत कर सकते हैं तथा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है जानकारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2021 जिसमें आप बहुत ही आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं तथा लगभग एक ही हफ्ते में अपने नए रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी ही किसी योजना के बारे में जानकारी लेकर बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।